प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। और हम कहानी देख रहे थे मधुआ, जिसका आज तीसरा भाग और अंतिम भाग मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। और मधुआ कहानी के अंतर्गत आपने पिछले वीडियो में देखा कि वहाँ पर शराबी जो है, अभी बालक को लेकर, बालक मधुआ को लेकर के अभी जाने के लिए तैयार हो गया है। उसको अभी दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसकी पहले की जो जिंदगी थी, जाकर के जो एक रुपया मिलता या कुछ भी जो मिलता, उसको उसके माध्यम से जाकर के शराब पीता और आकर के बैठता था, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन अभी बालक आने के बाद, अब बालक को लेकर क्या करना पड़ रहा है, उसको जिंदगी चलानी पड़ रही है, उसके पास अभी पैसे नहीं है। इसलिए जो दोस्त उसको शराबी को मिला नदी के किनारे पर, राम जी, वो कहता है कि तेरा जो है कल धार निकालने वाला जो पत्थर में मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकर के जाओ। तो अभी शराबी समझता है चलो इसको बेचकर क्या करेंगे, पैसे आएंगे, कुछ दिन इससे भी गुजारा हो जाएगा। तो उसके बाद वह कल आकर के लेकर के आता है। घर आने के बाद अभी आकर के बालक को बता रहा है, देखो तुम अभी निकल करके चले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो अभी कोई खजाना नहीं है, मेरे पास तो कोई पैसे वगैरह नहीं है तुम्हें पालने के लिए, इसलिए तुम निकल करके चले जाओ। बालक कहता है कि मैं कहाँ जाऊं? तो इसलिए फिर शराबी कहता है कि जहां तुम जाना चाहते हो वहां निकल करके जाओ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो ऐसे में शराबी कहता है अगर तू मेरे पास रहना चाहता है तो तुझे जो है काम करना पड़ेगा। तो बालक मधुआ कहता है मैं कौन सा भी काम करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं कोई डरने वाला नहीं हूं, आप जो भी काम देंगे मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। सो ऐसे में अभी शराबी कहता है देखो अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो कल या धार निकालने का काम करना पड़ेगा। जहां जहां मैं जाऊंगा, जिस गली से होकर के जाऊंगा, और जहां कहीं भी रात गुजारनी पड़ेगी, पेड़ के नीचे वगैरह सोना पड़ेगा, क्या तू मेरे साथ में आने के लिए तैयार है? वाला कहता है कि हाँ मैं तैयार हूं। और उसके बाद शराबी कहता है कि मैं तुम्हें अभी धार कैसे निकालते हैं चाकू और चूरी को, तो इसको भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो ऐसे में क्या है, शराबी कहता है और बालक भी कहता है कि मैं उसके लिए राजी हूं, मैं तैयार हूं, लेकिन तू जहां कहीं भी लेकर के जाए मैं तेरे साथ आने के लिए तैयार हूं, लेकिन ठाकुर के यहां पर मैं नौकरी नहीं करूंगा। कौन से ठाकुर के ने? ठाकुर सरदार सिंह के घर में वह काम करता था, वहां पर उसके ऊपर लल्लू जो जमादार है वो क्या करता था, उसके ऊपर अत्याचार करता था, उसको मारता था, फटकारता था, गालियां देता था, उससे तंग आ गया था मधुआ। तो इसलिए कहता है कि तुम जब मुझे मिले हो, तुम कहे जो भी काम दोगे मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। ऐसे में अभी क्या होता है कि शराबी अभी जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अभी शराबी को लगा तो ऐसे में मुझे भी एक सौगंध भी लेनी पड़ेगी, सौगंध यानी एक प्रॉमिस लेना पड़ेगा मुझे कि आइंदा मैं जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि अभी मेरे साथ में बालक है, बालक और मेरा गुजारा चलना है। तो इसलिए जो हमारा पुराना, मेरा जो पुराना धंधा था धार निकालने वाला, सो अभी उसको मैं आरंभ करूंगा, ऐसा समझ करके अभी बालक को तैयार करता है। अभी इसको सुनकर बालक की आंखों में दृढ़ निश्चय की सौगंध क्या है आ गई, बालक को लगा कि मैं करने के लिए तैयार हूं, ऐसी बात उसके अंदर आ जाती है। सो क्या हुआ, अभी वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। साथ मतलब क्या है, अभी धार निकाले के जाना है तो साथ में क्या क्या ले जाना है, अभी एक बोझ लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि रात होने के बाद वहीं छोटा मोटा बिस्तर लगा करके वहीं सोना पड़ेगा। उसके बाद में धार निकालने के जो पत्थर वगैरह होता है, वो जो मशीन होती है, उसको लेकर के जाना पड़ेगा। इस प्रकार शराबी अभी क्या करता है, दो गठरियों को, एक
सामान की गठरी को बनाता है, एक बोझ, और दूसरा जो है एक कल, कल है ना पत्थर का, जो सान निकालने वाला पत्थर होता है ना उसका, दो इस प्रकार दो बोझ बनाता है, दो भारी बोझ बनाता है और कहता है कि देखो तुम इसमें से कौन सा ढोओगे। तभी बालक अगुआ कहता है जो तुम दोगे मैं उसको कंधे के ऊपर रख करके आने के लिए तैयार हूं। ऐसे में अभी जब शराबी प्रश्न करता है, देखो अभी मैं तुम्हें बुला करके ले जा रहा हूं, मेरे साथ में तुम आ रहे हो, बीच रास्ते में अगर तुम्हारा बाप मिल गया और कह मुझे पकड़ा, तो मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या करूं, समझ लो कि तुम्हारा तेरा बाप अगर मुझे मिल गया बीच रास्ते में, कहेगा कि तू मेरे बेटे को लेकर के कहां जा रहा है, क्या किडनैप करके ले जा रहा है मुझे, ऐसा तेरा बाप मुझे प्रश्न करेगा तो मैं क्या जवाब दूं। तभी शराबी कहता, तभी बालक कहता है कोई नहीं पकड़ेगा, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है, चलो भी मेरे बाप कभी के मर गए हैं, मेरे पिताजी कब के ही उनका स्वर्गवास हो गया है, वो मर गए हैं, कोई भी नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस बालक का कोई भी नहीं है, कोई उसको आसरा नहीं था, वो अपने अपने इस छोटी सी उम्र में जाकर के मजदूरी करता था, मजदूरी करने के लिए गया तो वहां पर गालियां वगैरह लेनी पड़ती थी। सो आज उसको शराबी का सहारा मिल गया और एक अच्छा सहारा मिलने के कारण ये शराबी उसके लिए बहुत बड़ा अच्छा साथी बन गया, इसलिए उसका संग बालक को अच्छा लगता है, इसलिए कहता है तुम जहां कहीं भी लेकर के जाओ लेकिन मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। इसलिए शराबी से कहता है देखो मेरा मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है, वो चल बसे हैं, तो इसलिए तुझे पूछने वाला कोई नहीं है, ऐसी बात बताता है। शराबी आश्चर्य से उसका मुख देखता है, देखता हुआ कल उठाकर, कल है ना, कल है ना वो पत्थर, वो जो धार निकालने का पत्थर रहता है उसका बोझ शराबी अपने ऊपर उठा करके लेता है और बालक और एक जो सामान का जो बोझ था वो उठा करके लेता है। दोनों अभी बड़े आनंद से निकल करके आगे जाते हैं और क्या काम करने के लिए। यहां पर जयशंकर प्रसाद जी की ये मथुआ कहानी समाप्त हो जाती है। तो यहां पर हमने देखा ये कहानी के अंदर कहानी का केंद्र बिंदु मथुआ है, इसलिए इस कहानी के कहानी का शीर्षक भी उसका नाम, मथुआ का नाम ही इस कहानी के लिए रखा गया है। पूरी कहानी मथुआ को लेकर चलती है क्योंकि ये कहानी एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, तो इसलिए यहां पर हमने देखा कि मथुआ के जीवन में एक बालक, बालक के जीवन में क्या उसकी दशा हो गई थी, वो कैसे अत्याचार को सहन कर रहा था, लेकिन अचानक एक शराबी उसको मिल गया और शराबी उसको ले जाता है, पर वो पराठे का टुकड़ा देता है खाने पीने के लिए वो देता है, तो इस प्रकार मानो शराबी तो पहले बड़ा शराबी था लेकिन बालक मथुआ मिलने के बाद उसको भी लगा कि मुझे अब इस बालक का पेट भरना है, उसको उसके साथ को उसको साथ में ले जाना है, इसलिए वो क्या करता है उसके आंखों के में आए हुए आंसुओं को पोंछ कर वह अपने घर में ले जाता है, परोठे के टुकड़े देता है, मिठाइयों ला करके खिलाता है। इस प्रकार मानो शराबी का जीवन भी पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया, वह पहले शराबी था उसके बाद अभी शराब को छोड़कर वो भी क्या करता है एक सामान्य मनुष्य बनकर जीवन चलाने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए उसको क्या है अपना पुराना धंधा, जो धार निकालने वाला जो धंधा था उसी को वह आरंभ करता है, साथ में मथुआ को लेकर वह चला जाता है। इस प्रकार यहां पर दोनों खुशी खुशी उस धंधे को करकर अपना जीवन कह बनाते हैं। तो इस प्रकार यहां पर मथुआ की कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी में मथुआ के ऊपर क्या बीतती है, क्या आपत्ति आती है, उस संकट का विरोध कैसे होता है, उसके बारे में जयशंकर प्रसाद जी ने बताया। साथ ही साथ एक शराबी, जो शराबी शराब का जो लती आदमी जो था, जो क्या करता था, उसको दुनिया से कोई संबंध नहीं है, ना कोई
इंसानों से दूसरे लोगों से कोई संबंध नहीं है, बस उसको एक रुपया मिल गया तो समझ लो कि वह इस दुनिया को भूलकर क्या करता था, दिन काटते रहता था। लेकिन ऐसा भी, ऐसा आदमी भी, शराबी भी अपने बालक, उसके जीवन में बालक आने के बाद उसका जीवन भी परिवर्तन हो करके वह शराब को छोड़ देता है। तो यहां इस घटना को, इस बात को जयशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी के अंदर ज्ञान बताई हुई है। तो इस प्रकार यहां पर प्रिय विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी मधुआ जो है समाप्त हो जाती है। और मैं अभी यहां पर इसके बारे में इसके एक अंक के प्रश्न अभी बताने के लिए जा रहा हूं। तो एक अंक के प्रश्न में पहला जो प्रश्न है, बालक का नाम क्या है? बालक का नाम मधुआ, बालक का नाम मधुआ है, इस प्रकार आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न, ठाकुर सरदार सिंह का लड़का कहां पढ़ता था? ठाकुर सरदार सिंह का लड़का लखनऊ में पढ़ता था, लखनऊ में पढ़ता था। तीसरा प्रश्न, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर कहां मिल जाते हैं? बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, धूल में मिल जाते हैं। चौथा प्रश्न, गंदी कोठरी में बालक को खाने के लिए क्या मिला? गंदी कोठरी में बालक को खाने के लिए क्या मिला? पराठे का टुकड़ा, पराठे का टुकड़ा मिला। पांचवा प्रश्न, शराबी के हाथ में कितने रुपए थे? शराबी के हाथ में एक रुपया था, शराबी के हाथ में एक रुपया था। छठवा प्रश्न, सिक्स्थ वन, सीधी जगह में सोते हुए बालक ने क्या ओढ़ लिया? सीधी जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया, शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया, इस प्रकार लिखना है आपको। अभी एक प्रश्न में अंतिम प्रश्न, सातवां प्रश्न, बालक की आंखें किसकी सौगंध खा रही थी? बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी, दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी, इस प्रकार आपको एक अंक के प्रश्न का उत्तर जो है लिखना है। अभी यहां पर बड़े जो प्रश्न हैं वो तीन अंक के लिए आते हैं। तो बड़े प्रश्नों के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है, शराबी ठाकुर सरदार सिंह को कौन कौन सी कहानियां सुनाता था, इस प्रकार का प्रश्न है। अर्थात शराबी ठाकुर सरदार सिंह को आकर के कौन कौन सी कहानियां सुनाता था, इसके बारे में। तो अभी आपको, आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? ठाकुर सरदार सिंह एक बहुत बड़े सरदार थे, उनका बेटा लखनऊ में रहता था, वो बेटे के पास ही रहते थे और उनको कहानियां सुनने की, कहानी सुनने की आदत थी, इसलिए बहुत ढूंढने के बाद उनको ये शराबी मिलता है और वो शराबी ठाकुर सरदार सिंह को रात में, दोपहर में, कभी कभी सुबह में आकर कहानियां सुनाता था। और उन कहानियों में कौन कौन सी कहानियां थी कि वो कौन कौन सी सुना कहानियां सुना करता था कि वो राज रंग महल में रहने वाली बेगमों का भग्न प्रेम, और उसके बाद में और दुख भरी बहुत सारी जो प्रेम की जो कहानियां हैं, रंगरेलियां और दुखियों की दर्द भरी आई, रंगमानों में गुट गुट कर मरने वाली बेगमें, सो ऐसे बहुत सारे कहानियां, शाहजादों के टुकड़े
दुखड़े रंग महल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम करुणा कथा और पीड़ा से बहा भरी हुई कहानियों को शराबी ठाकुर जी को सुनाता था। इस प्रकार आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। इसके लिए कितने हैं अंक, 3 अंक होते हैं। अभी दूसरा प्रश्न इसके अंतर्गत क्या है, शराबी को बच्चा कहां मिला। अभी ये बच्चा कौन, मधुआ बालक, ये बालक या मधुआ शराबी को कहां मिलता है। आपको लिखना पड़ेगा कि ठाकुर सरदार सिंह एक बहुत बड़े सरदार थे और वो लखनऊ में उनका बेटा रहता था, वहां पर रहा करते थे और उनको कहानी सुनने की आदत थी। और ऐसे में उनको एक शराबी मिल जाता है और शराबी अक्सर जो है उनको दुख भरी कहानियां वगैरह सुनाता था और शराबी को 1 रुपया ठाकुर सरदार सिंह देते हैं। वो क्या करता है, लेकर के अभी शराब पीना पीने के लिए जाता है और जाने के पूर्व में ठाकुर सरदार जी कहते हैं कि जो वहां पर मेरा जो लल्लू जमादार है उसको जरा भेज दो। वो वहां पर जाता है तो वहां पर बालक, एक सुकुमार बालक की रोने की आवाज सुनाई देती है और उसको कोई जो क्या कर रहा था, गालियां वगैरह दे रहा था। तो अभी क्या लिखना है यहां पर, शराबी को बच्चा कहां मिला, शराबी को बच्चा या बालक कहां मिला, ठाकुर सरदार सिंह के घर पर मिला। वहां पर वह बालक क्या करता था, काम करता था, इसलिए क्या है वहां पर मिलता है शराबी, क्योंकि वो जैसे जाकर के रोने की आवाज उसको सुनाई देती है तो बालक को वहां, बाद में वो बाहर आता है बालक और उसके आंखों को आंसुओं को पोंछता है। वहां उसे अपने साथ क्यों लाया, जब वो बालक कोठरी के बाहर आया तो बहुत बालक जो है बहुत ही उसका गोरा रंग था, वो उसके आंसू निकल रहे थे। शराबी क्या करता है, जाकर के उसके आंसुओं को पोंछता है, उसका हाथ पकड़ करके निकलता है दरवाजे के बाहर, फाटक के बाहर आ जाता है। उसके बाद उस बालक को गली से होकर अपने एक तंग गली में जो उसकी जो उसका जो छोटा सा घर था वहां पर वह उसको बुला करके ले आता है। क्यों ले आता है, इसलिए कि उस बालक के रोने के बाद या जब रोने को देखता है तो उस बालक के प्रति शराबी के मन में दया आ गई, उसको सहारा देने के लिए, आसरा देने के लिए वह तुरंत उस बालक को क्या करता है, पकड़कर अपने घर में ले आता है, उसको उसकी रक्षा करने के बारे में उसको बुला करके ले आता है। क्योंकि उसने सुना था कि उसके ऊपर जो है गालियां बरसा रही थी, इस कारण से वो समझता है कि बालक जो है बहुत ही आपत्ति में है, इसको बचाना चाहिए, इसी को अपने कमरे में बुलाकर ले आता है और उसको परोठे का टुकड़ा देता है। उसके बाद 1 रुपया जो मिला था उससे वह मिठाइयां वगैरह उसको ला करके देता है। इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। शराबी 1 रुपये से क्या खरीदना चाहता था और बाद में क्या खरीद लिया। शराबी जो ठाकुर सरदार सिंह उसको कहानी सुनाने के बाद में 1 रुपया देते हैं, उनको नींद आ जाती है और वो क्या करता है, सीधे 1 रुपया लेकर के घर आता है और घर आने के बाद वहां पर जो एक सीधे 1 रुपया लेकर के वह बालक को लेकर के कहां आता है, अपने कमरे में आता है। वहां पर कंबल के नीचे एक पराठे का टुकड़ा था, उसको देकर कहता है मैं अभी जाकर तेरा पेट भरने के लिए और कुछ चीजें लेकर के आता हूं, इसलिए वो निकल के 1 रुपया लेकर के जाता है। जाने के बाद उसके मन में विचार आने लगे, चलो 1 रुपया मिला है, शराब की दुकान जाऊं और शराब पीऊं। लेकिन फिर उसका मन करने का, नहीं क्या है, 4 आने की चाय ले लूं और उसके बाद में 4 आने की पकौड़ी ले लूं। उसके बाद में उसके मन में बात आ जाती है आलू मटर ले लूं, उसके बाद
उसको लगा कि ये नहीं, हम क्या मैं क्या करूं, चलो मांस ही खरीद लूं। इस प्रकार उसके मन में विचार आने लगे और बाद में वह उसी प्रकार विचार करते करते अंत में एक मिठाई की दुकान के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और पूरे ₹1 की मिठाइयों को वह खरीद कर लेता है, लेकिन नमकीन वगैरह कोई चीजों को वह नहीं लेता और इस प्रकार मिठाई लेकर फिर घर आता है और घर आकर के वह बालक मधुआ के सामने रखता है। बालक उस मिठाई को देकर बड़ा खुश हो जाता है। इस प्रकार की बात अभी वहां पर इस प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। बाद में क्या खरीद लिया, बाद में क्या खरीदा है, वहां मिठाई को खरीद लिया और लेकर के आता है। इस प्रकार उत्तर आपको वहां पर लिखना है। उसके बाद में चौथा प्रश्न, शराबी के जीवन में मधुआ के आने के बाद क्या परिवर्तन आया। देखिए, शराबी के जीवन में मधुआ के आने के बाद क्या परिवर्तन आया। शराबी पहले हमेशा शराब पिया करता था और उसके पास एक ऐसी कला थी, वो क्या करता था, अपने बातों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अच्छी अच्छी कहानियों को वह सुनाता था। अचानक उसकी मुलाकात जो है ठाकुर सरदार सिंह से हो जाती है। ठाकुर सरदार सिंह लखनऊ में अपने बेटे के घर में रहते थे, उनको भी कहानियां सुनने की आदत थी, इसलिए वो किसी एक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। अचानक उनको ये शराबी मिलता है और शराबी क्या करता है, उनको तरह तरह की कहानियों को, वह सुबह आता था, दोपहर में आता था, शाम में आकर के वह सुनाता था और सुनाने के बाद वह ठाकुर सरदार सिंह खुश हो जाते थे, उसको पैसे वगैरह देते थे, वो पैसे ले जाकर के वह शराब पीता और रहता था। उसको ना कोई परिवार के बारे में, ना कोई दूसरी दुनिया के बारे में उसको कोई जो है एक प्रकार से संबंध नहीं था। लेकिन मधुआ के आने के बाद, उसके जीवन में मधुआ का आने के बाद क्या होता है कि उसका पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है। जब ₹1 आता है तो बालक के बारे में सोचता है, चलो इसका यह भूखा है, इसका पेट भूखा है, इसको ला करके कुछ मुझे देना चाहिए, इसलिए जाकर के मिठाइयां वगैरह खरीद करके ला करके देता है। सबसे पहले वो परोठे का टुकड़ा जो है, जो कंबल के नीचे रखा हुआ था, उसको निकाल करके देता है। सो इस प्रकार शराबी के मन के अंदर एक इंसानियत, मनुष्यता कह सकते हैं, एक दया का माहौल आ जाता है बालक मधुआ मिलने के कारण। नहीं तो उसका उसका जो जीवन तो क्या है, शराबी का जीवन था, लेकिन मधुआ आने के बाद उसको लगा कि क्या है, मुझे इसको बचाना है, इसकी रक्षा करना है, इसीलिए जो भी पैसे मिले वो ले जा करके लाता और देता था। तो इस प्रकार अभी क्या होता है, वहां पर बालक को बचाने के बारे में वह कोशिश करता है और कई बार उसको गुस्सा आया, चलो इस बच्चे को मैं भगा दूं, लेकिन अंत में जब क्या करता है, वह जीवन चलाने के बारे में, मधुआ को भी अपने साथ लेकर उसकी रक्षा करने के बारे में, वह पुराना वो जो धंधा था धार निकालने वाला, सो वही धंधा वह आरंभ करता है। इस प्रकार शराबी के जीवन में मधुआ बालक के आने के बाद उसका पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है और वह शराब को छोड़कर एक अच्छा इंसान, मनुष्य बनता है। इस प्रकार अभी वहां पर आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अभी अंतिम प्रश्न, जो पांचवा प्रश्न है, मधुआ पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ये बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर अभी चरित्र चित्रण करना है। चरित्र चित्रण करना है तो आप कैसे लिखेंगे उसको, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित मधुआ इस कहानी में मधुआ बालक का एक मुख्य पात्र है, ये वाक्य पहले आना चाहिए। उसके बाद में आपको लिखना है, क्या लिखना है कि मधुआ वगैरह कौन है, क्या है इसके बारे में। तो मधुआ
इस कहानी का केंद्र बिंदु है और मुख्य पात्र है, और एक वो नन्ना सा बालक है। वो ठाकुर सरदार सिंह के यहां घर में काम करता था, लेकिन वहां ठाकुर सरदार सिंह का एक लल्लू नाम का जमादार था, वो अक्सर उसको पीटता मारता और बुरी गालियां देता था। तो बहुत दिनों से बालक जो है उसके अत्याचार को सहन कर रहा था, उसको खाने के लिए बराबर से नहीं मिलता था, भूखा उसको रहना पड़ता था। लेकिन अचानक शराबी उसको मिल जाता है, शराबी उसको बुलाकर ले जाने के बाद अपने घर में रखता है, तो शराबी का आसरा संग बालक को बहुत अच्छा लगा, इसलिए कहकर उसने वो साथ में रहने लगता है। और शराबी को लगा कि मैं इसके जीवन के पीछे क्यों पड़ूं, चलो इसको भगा दूं। लेकिन बधवा कहता है मैं तेरे ही साथ रहूंगा, तू जो भी काम मुझे देगा मैं उसको करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ठाकुर सरदार सिंह के घर में मैं नहीं रह सकता। ऐसी बात आ जाती है। तो इस प्रकार शराबी मधुआ बालक को लेकर उसको भी उधार निकालने वाला धंधा सिखाता है और उसको भी अपने जीवन का एक सदस्य समझकर, संगी समझ करके उसको भी लेकर के अपना जीवन चलाता है। और शराबी भी अपने जीवन के अंदर शराब को छोड़कर एक अच्छा इंसान बनता है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, यहां पर यह मधुआ कहानी का पूरा अंश समाप्त हो जाता है, और आप इस ढंग से जो मैंने बताया हूं, जो मैंने आपको जो भी बताया है उस माध्यम से आप उसकी पढ़ाई कीजिएगा। और यहीं पर मैं इसको समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में और एक कोई पाठ लेकर के, कोई कविता लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।